हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो टेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज और एक नया स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी बनाया हूं, जो स्ट्रेटेजी है, ये रिक्वेस्ट के ऊपर है। मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे को ये टेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल पे रिक्वेस्ट किया था ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। वो बेसिकली हैंडीकैप है और ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और उसने मेल भी किया था, मेल करके भी रिक्वेस्ट किया था मुझे एक अच्छा स्ट्रेटेजी के लिए। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। पूरा स्ट्रेटेजी को आप वॉच कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये स्ट्रेटेजी में होता क्या है, ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है। मैं पूरा एक एक डिटेल मैं आज बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरा अच्छे से देखिए इस वीडियो को, बराबर फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, मैंने एक लमसम चार्ट तो ऑलरेडी ले लिया हूं। ये वीडियो को मैं बता देना चाहूंगा, ये वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा करने वाला नहीं हूं, ये 15 मिनट का वीडियो होगा। उसके अंदर पूरा चीज मैंने समझाऊंगा, पूरा चीज को आप नोट कर लीजिए, आपका सबसे ज्यादा मुनाफा होने वाला है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं क्या किया हूं पहले बता देता हूं। हमने 6 मूविंग एवरेज लिया हूं, 6 पीस मूविंग एवरेज है। कौन सा मूविंग एवरेज है उसके बारे में आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो मूविंग एवरेज लिया हूं 15 पीरियड का, बराबर। ये 15 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसका सोर्स क्लोज है ऑफसेट +3 है, बराबर। जैसा मैं सेटअप बोल रहा हूं वैसा आप सेटअप कर लीजिए। उसके बाद बता रहा हूं इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है और कैसे आप ट्रेड करेंगे। ये पहला वाला गया। सेकंड वाला जो मूविंग एवरेज है, ये भी 50 पीरियड का है, -3 है, इसका ऑफसेट जो है -3 और सोर्स सेम है, बराबर। इसका कलर मैंने रेड रख लिया हूं, कलर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब में, बराबर। थर्ड वाला जो मूविंग एवरेज है वो भी 50 पीरियड का है, ब्लैक कलर रखा हूं मैंने, ओनली 50 पीरियड का है, बराबर। इसका ऑफसेट 0 है। और एक मूविंग एवरेज जो है 4 नंबर पे, वो 9 पीरियड का है, इसका सोर्स क्लोज है और ऑफसेट +3 है, बराबर। समझ में आ गया। और 5 नंबर पे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 9 है और ऑप्शन -3 है, सोर्स सेम है, बराबर। और क्या करना है, और एक मूविंग एवरेज लेना है 9 पीरियड का मूविंग एवरेज, ये भी है, सोर्स क्लोज है और ऑफसेट 0 है, बराबर। ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। आप वॉल्यूम को भी आपके साथ आपका चार्ट में यूज कर सकते हो। वॉल्यूम का एक फायदा होता है क्या, वॉल्यूम आपको बताता है कौन सा कैंडल के ऊपर ज्यादा ट्रेड हो रहा है, बराबर। कौन सा कैंडल के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसका पता चल जाता है आपका ये वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू। तो हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया था, हम लोगों को टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना है। बेसिकली मैं इंटरडे में 5 पीरियड के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ और 15 और 30 पीरियड को मैं बेसिकली फेवर करता हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। तो ये मेरा टक्चर है ट्रेडिंग का, बराबर। हम लोग क्या करेंगे इसके साथ और एक चीज इंक्लूड करेंगे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को लेना क्यों जरूरी है उसके बारे में छोटा सा मैं बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर ट्रेड मिलना चाहिए और पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए, इसके वजह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करता हूं हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, हर स्ट्रेटेजी के ऊपर। क्यों यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को लॉस नहीं होना है, मेरे को एकदम पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट होना है, पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट पे मैं एंट्री लेता हूं, क्योंकि चाहे मेरे को 2 पॉइंट 3 पॉइंट का या लाभ क्यों ना हो, 2-3 पॉइंट मिल क्यों ना जाए, मेरे को ज्यादा पॉइंट का जरूरत नहीं रहता है। बेसिकली 2-3 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करता हूँ और हमेशा मुनाफा में रहता हूँ, और मैं 8 साल के एक्सपीरियंस में ये मैं बता रहा हूं आज,
6-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मेरे को मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद मेरे को कुछ उसी ट्रेड में कुछ अलग से चीज दिखाई देता है, मतलब ट्रेंड चेंज होता है, या ट्रेंड डाउन में और जाने वाला है, या ट्रेंड अप में और जाने वाला है, तो हम लोग उसी के हिसाब में मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ट्रेड का जो बेनिफिट है, बेनिफिट में हमेशा लेता रहता हूँ। बराबर, आप भी वैसा ही कीजिए। तो काम कैसा करना है पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो तीन है, ये तीन एक्चुअली 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, जिसका ऑफसेट मैंने चेंज कर दिया था। बराबर, ये तीन हमारा मूविंग एवरेज हो गया 50 पीरियड का, और ये तीन हो गया हमारा 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। ये तीन का काम क्या है मैं बता देता हूं। ये तीन जब क्रॉसओवर होता है तो हम लोग उसी कैंडल के नीचे हम लोग ये जो हॉराइजेंटल लाइन है उसको लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग उसमें एंट्री पॉइंट लेंगे। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज देता है या इसके नीचे कोई कैंडल ओपन होता है तो हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे। बराबर, और हम लोग क्लोज को, मतलब हमारा जो स्टॉक को मैंने बाय सेल किया था उसको क्लोज कहां पर करेंगे। ये जो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो जहां पर क्रॉसओवर होगा उस जगह पे हम लोग निकल जाएंगे। बराबर, मतलब ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया। समझ में आ गया आपको? आपको एग्जिट पॉइंट भी पता चल जाएगा, आपको एंट्री पॉइंट भी पता चल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल का स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं बताया जो सबके लिए अच्छा है। देखिए, इस जगह पे क्रॉसओवर हो चुका है। बराबर, 50 पीरियड का जो एवरेज है हमारा क्रॉसओवर हुआ है इस जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है उसी कैंडल का लो को, मतलब सेल के लिए हुआ है, तो हम लोग इस जगह पे इसको मार्क कर लेंगे। हम लोग वेट करेंगे कहां पर, इसके नीचे कोई कैंडल, नया कैंडल शुरू हो और इसके नीचे नया कैंडल बंद हो, तो उसी कैंडल का इंतजार करेंगे। जैसे हमारा वैसा कैंडल मिल जाता है हम लोग वैसे ट्रेड लेंगे। अब क्लोज कहां पर करेंगे, इस जगह पे क्यों क्लोज करेंगे मैं समझाता हूं। इस जगह पे क्यों क्लोज करेंगे, हमारा ट्रेड को एग्जिट क्यों कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 9 पीरियड का हमारा जो मूविंग एवरेज है उसने मेरे को इंडिकेट कर दिया है क्या, ट्रेड को क्लोज करने के लिए जो ट्रेंड चेंज होने वाला है, अपट्रेंड जाने वाला है। तो हमारा एंट्री, ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हमारा एंट्री पॉइंट भी मिल जाता है और एग्जिट पॉइंट भी मिल जाता है। दोनों पर्टिकुलरली ये आपको इंडिकेट कर देता है कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट लेना है। तो दोनों कंबाइंड मिला के, दोनों चीज का कंबाइंड मिला के ये स्ट्रेटेजी है। आपको पूरे चीज आपको नॉलेज में आ जाएगा, अभी पूरा वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बराबर, ये एक गया, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे तो इतना तो हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे। बराबर, सेकंड देखिए, यहाँ पर हम लोग को ट्रेड नहीं मिला है, हम लोग को ट्रेड कहां पर मिला है, इस जगह पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कैंडल, देखिए एग्जस्ट इस जगह पे हमारा क्रॉसओवर हुआ है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज के अंदर। जैसे क्रॉसओवर होता है हम लोग इसके नीचे क्या करेंगे, इसको लाइन को लगा लेंगे, और हम लोग कहां पर वेट करेंगे, इसके नीचे कोई कैंडल, नया कैंडल शुरू हो और इसके नीचे नया कैंडल कुछ बंद हो, उसी कैंडल का इंतजार करेंगे। जो कैंडल इसके नीचे शुरू हो रहा है और इसके नीचे बंद हो रहा है तो हम लोग इसी कैंडल से ट्रेड लेंगे। हम लोग क्लोज के ट्रेड को क्लोज कहां पर करेंगे, यहां पर लेंगे तो हम लोग इस जगह पे क्लोज करेंगे। क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। क्रॉसओवर हो चुका है मतलब हम लोगों को इंडिकेट कर दिया है भाई अपने जो बाय किया था उसको सेल कर दीजिए, या आपने कुछ आइटम को सेल किया तो आप उसको बाय कर लीजिए, मतलब एंट्री जिसने किए थे उसको एग्जिट कर दीजिए। बराबर, तो एंट्री का भी आप लोग, हम लोगों को पता चल जाता है और एग्जिट का भी पता चल जाता है। तो हम लोगों को मार्केट में क्या चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, एंट्री पॉइंट पता चलना चाहिए और एग्जिट पॉइंट पता चलना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी के दौरान आपका एंट्री पॉइंट भी पता चल जाता है और एग्जिट पॉइंट भी पता चल जाता है। बराबर,
दोनों चीज आपको मालूम हो जाता है। ओके, और थोड़ा देख लेते हैं नीचे की तरफ क्या है क्या नहीं है। देखिए इस जगह पे ये क्या किया, आपको इंडिकेट दिया जो क्रॉसओवर हो चुका है, आप यहां से ट्रेड ले सकते हो। बराबर, जैसे हमारा यहां पर क्रॉसओवर हो चुका है, हम लोग इस जगह पे ट्रेड ले लेंगे। और हम लोग कौन सा जगह पे ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग कौन सा हुआ, ये वाला कैंडल हो चुका है, इसके ऊपर ही शुरू हुआ है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो चुका है, तो हम लोग इस जगह पे या ट्रेड लेंगे। और कहां कहां तक लेंगे, इस जगह तक लेंगे, क्योंकि मार्केट बंद हो चुका था। बराबर, मार्केट बंद हो चुका था तो अपना तो उतना ही प्रॉफिट है, उससे ज्यादा तो प्रॉफिट है नहीं। बराबर, और मैं हम लोग देख लेते हैं इस जगह पे। देखिए इस जगह पे हमारा क्रॉसओवर हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग इसको लगा लेंगे। बराबर, और यहां से यहां तक एक छोटा सा प्रॉफिट हम लोग ले लेंगे। बराबर, इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और मैं दिखा देता हूं आपको, आपको समझ में आ जाए, आ गया होगा क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको। मेन मोटिव इसमें क्या है, दोनों आपको मिल जाता है, एक एंट्री पॉइंट भी मिल जाते हैं, एग्जिट पॉइंट भी मिल जाते हैं, जो एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपको एंट्री पॉइंट तो बता सकते हैं, एग्जिट पॉइंट बताने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको एंट्री पॉइंट भी बताता है, एग्जिट पॉइंट भी बताता है, दोनों चीज आपको सामने सामने बताया था। तो देखिए इस जगह पे, इस कैंडल पे हम लोग को ट्रेड मिला है। बराबर, इस कैंडल पे हम लोग को ट्रेड मिल चुका है, तो हम लोग इस जगह पे, ये जो हमारा क्रॉसओवर वाला कैंडल है, बराबर, इसको फाइंड करना सबसे पहले जरूरी है। जैसे हमारा फाइंड हो जाता है, ये वाला कैंडल हो गया, ये देखिए इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है, मतलब ये वाला कैंडल बन जाता है हमारा। उसके नीचे हम लोग लाइन लगा लिया हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग कहां पर ट्रेड लेंगे, आपको पता चल जाएगा, चल गया है कहां पर ट्रेड लेना है, इस जगह पे ट्रेड लेना है। हम लोग क्लोज ट्रेड को कहां करेंगे, इस जगह पे। इस जगह पे क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि यहां पर क्रॉसओवर हुआ है। जैसे क्रॉसओवर होता है, हम लोग उसको क्लोज क्यों गया है, मतलब हमारा जो ये चल रहा था, ट्रेड चालू था, ट्रेड से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बराबर, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, और आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को मेल कीजिए, मैं मेल का रिप्लाई 100% दूंगा। और मैं ये स्ट्रेटेजी सबके लिए बनाया हूँ, और सबसे ज्यादा मैं ये स्ट्रेटेजी को इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को मेरा स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, सर ऐसे स्ट्रेटेजी बना दीजिए मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, तकलीफ में था, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाया हूँ। अब प्लीज फ्रेंड, ये स्ट्रेटेजी को आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नया स्ट्रेटेजी मैं जैसे अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप एक काम कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके रखिए। अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, और अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, जिसमें आपको एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट दोनों मिल जाएगा। ऐसा भी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी है जो मैं बताने वाला हूँ, और मैं फेवर करता हूँ ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन के ऊपर, सबसे ज्यादा मैं फेवर करता हूँ, और प्राइस एक्शन ट्रेड मेरे को फेवर करते हैं। बराबर, तो मैं उसी के ऊपर हमेशा ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन के थ्रू, और ये सब स्ट्रेटेजी में मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, बीच बीच में ये सब स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी यूज करते आया हूँ और कर रहा हूँ। बराबर, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।